हर एक साल कोई भी देश कितना पैसा छापेगा ये तय कैसे किया जाता है? सन 1947 तक एक रुपया एक डॉलर के बराबर हुआ करता था, और क्या कारण है कि आज इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है? क्यों इंटरनेशनल व्यापार हमेशा डॉलर में ही किया जाता है, बाकी के करेंसीज में क्यों नहीं की जाती है? इन सारे बातों को समझने से पहले हमें पैसों का इतिहास में चलना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को हमने दो भाग में बांटा है, चूंकि टॉपिक बहुत लंबा है तो एक वीडियो में कवर करने पे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसे दो भाग बनाया है। यह है पहला भाग, तो चलते हैं हम पैसों के इतिहास। आज से करीब 17,000 साल पहले यानी कि 15,000 BC में इंसानों के पास ना ही पैसा हुआ करता था और ना ही खाने के लिए अन्न। उस जमाने में मनुष्य जानवरों को मार के अपना जीविका चलाते थे। तब मनुष्य अपना अलग अलग गुट बना के जानवरों पे हमला किया करते थे। जब कभी किसी गुट के हाथ शिकार नहीं लगता था तो अपने पड़ोसी गुट से हथियारों के बदले मांसों का लेन देन किया करते थे। इस प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहा जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मनुष्यों ने अनाज का खोज कर लिया। अब मनुष्य अनाज के बदले मांसों का लेन देन किया करते थे। समय बीतता गया, अब मनुष्य को इस लेन देन में समस्याएं आने लगी। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या थी कि आवश्यकता की दोहरे संजोग की कमी। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए दो इंसान हैं, एक के पास अनाज है और एक के पास मांस है। अगर अनाज वाले इंसान को मांस की आवश्यकता होगी तभी लेन देन संभव हो पाता था। वस्तु विनिमय के लिए दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होना जरूरी होता है। इन्हीं समस्याओं ने मुद्रा को जन्म दिया, लेकिन यह वह मुद्रा नहीं है जिसे आज के समय में हम और आप देखते हैं। हर एक वह वस्तु जिसका मूल्य दूसरे वस्तु के बराबर या आसपास हो उसे हम कमोडिटी मनी कहते हैं। जैसे एक बकरी के बदले चार मुर्गी, 1 kg अनाज के बदले 1 kg नमक। अब मनुष्य कमोडिटी मनी में व्यापार करने लगे, यानी कि लेन देन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मनुष्यों को इसमें भी समस्याएं आने लगी। समस्या यह थी कि अब हर एक इंसान अपने वस्तु को दूसरे के वस्तु से मूल्यवान बताने लगा, जिससे फिर से व्यापार करने में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इसलिए अब एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो सभी कमोडिटी मनी के वस्तुओं की कीमत तय कर सके, और लोगों के इन्हीं जरूरतों ने धात्विक मुद्रा की शुरुआत से करीब 2600 साल पहले यानी कि 600 BC में एशेंट ग्रीस में धात्विक मुद्रा की शुरुआत हुई। वहां पहली बार सोने और चांदी को मिला करके मुद्रा तैयार किया गया। इस मुद्रा पर शेर या बैल का तस्वीर बनाया गया। ये है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लाइडेनस्टाटर। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले सिक्के बनाने की शुरुआत चीन में 1000 BC में ही हो चुकी थी। वहां के लोग तांबे और पीतल को पिघला करके सिक्के बनाया करते थे, लेकिन दुख की बात यह है कि इन सिक्कों का लाइडेनस्टाटर की तरह प्रसिद्धि नहीं मिली थी। स्टार के बाद सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। अब हर एक राजा अपने अपने नाम का सिक्का निकालना शुरू कर दी और दुनिया भर में सिक्कों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इन सिक्कों के वजह से व्यापार में काफी तेजी आई। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होना शुरू हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, अब सिक्कों में भी लोगों को समस्याएं आनी शुरू हो गई। समस्याएं सिक्कों का वजन था, वजन के साथ साथ यह नाव में बहुत अधिक जगह लेता था और इसे गिरने में भी काफी कठिनाइयां होती थी। इसलिए अब सिक्कों की जगह पर एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जो वजन के साथ साथ हल्की हो और उसे स्टोर करना काफी आसान हो। इंसान के इन्हीं जरूरतों ने पेपर मनी को जन्म दिया। सन 1289 में मंगोल चाइना का शासक जो कि चंगेज खान के पोते थे, कुबला खान ने बार्क ट्री के खाल से सबसे पहले पेपर मनी तैयार किया। इस पेपर मनी को उस समय IOU कहा गया, जिसका मतलब था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। चीन के शासक कुबला खान ने अपने राज्य में हीरे जवाहरात सोना चांदी के बदले पेपर मनी देना शुरू कर दिया। देश की जनता जितनी मात्रा में शासक के पास सोना चांदी हीरा जवाहरात जमा किया करते थे, उतनी मात्रा में शासक उन्हें IOU यानी कि पेपर मनी दिया करता था। पेपर मनी के पीछे का कॉन्सेप्ट था कि जब तुम इस पेपर मनी को वापस करोगे तब तुम्हारा बेशकीमती हीरा जवाहरात तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। लेकिन लोगों ने इस कागज को बदलने की जगह इसी कागज से लेन देन शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह पेपर मनी चीन के बाहर फैल गई। अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेपर मनी पाने की इच्छा होने लगी और लोगों के इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए बैंकों की शुरुआत की गई। बैंकों का काम यह होता था कि
बैंक लोगों से सोना चांदी हीरा जवाहरात के बदले पेपर मनी दिया करता था और यह प्रचलन काफी तेजी से फैलने लगी क्योंकि लोगों को सोना चांदी हीरा जवाहरात संभालने में काफी कठिनाइयां होती थी। अब लोग इसे बैंक में देकर बदले में पेपर मनी लिया करते थे। समय बीतता गया और बैंकों ने बहुत सारा पेपर मनी छाप के लोगों को उधार देना शुरू कर दिया, जिससे पूरे देश में पेपर मनी की बारिश होने लगी। पेपर मनी की अधिकता ने इन्फ्लेशन को जन्म दिया, यानी कि महंगाई बढ़ने लगी। पहले जो सामान एक IOU में मिला करता था, अब वह 10 IOU में मिलने लगा। अब बैंकों में उतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने लोगों के पास पेपर मनी थी। जब इस बात का खबर लोगों को हुई, तब लोगों ने अपना सोने चांदी का सिक्का लेने बैंकों की ओर दौड़ पड़े और बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, जिससे लोगों का बैंक पर से भरोसा उठ गया। अब लोगों के पास जो बचा कुचा सिक्का था, लोग उसे ही संभालने लगे। पैसे का सर्कुलेशन भी अब पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और फिर समय आया 1816 का, जब ब्रिटेन ने एक नए लॉ के साथ यह अनाउंसमेंट किया, अब वह उतने ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे जितने उनके पास सोने चांदी होंगे, जिससे कि महंगाई नहीं बढ़ेगी और कर्ज भी एक लिमिट मात्रा में दी जाएगी। और इस तरह ब्रिटेन ने अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया और कुछ ही समय में ब्रिटेन को देखकर बाकी सारी कंट्री ने भी इसे फॉलो किया और अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर लिया, जिससे पेपर मनी फिर से दुनिया भर में चलने लगा। लेकिन लोग इस बात से वंचित थे कि लोगों ने अब पहले से भी भारी मुसीबत को न्यौता दे दिया है। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि देश भर में जब भी कभी पैसा ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी कि महंगाई बढ़ती है। लेकिन पैसा कम होता है तो डिफ्लेशन होता है, जो महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और साल 1930 में भी यही हुआ, USA में डिफ्लेशन हो गई। चूंकि चीजों की कीमत कम होने की वजह से कंपनी इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि वो अपने वर्करों को सैलरी दे सके। सिचुएशन में USA के लोगों के पास ना ही जॉब था और ना ही पैसा। इसके बाद इस मुसीबत से बचने के लिए साल 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने गोल्ड और डॉलर के कनेक्शन को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया, जिससे बैंकों के पास अब फिर से उनकी पुरानी ताकत लौट आई। अब बैंक फिर से धड़ल्ले से नोट छापने लगे और फिर कुछ ही साल बाद इन्फ्लेशन की नौबत आ गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से अमेरिका ने सेंट्रल बैंक FED की स्थापना की, जिसका काम यह रेगुलेट करना था कि देश में पैसा ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो। लेकिन वह पैसा यानी IOU, जिसे लोग गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते थे, अब वह एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया था, जिसे फैट मनी कहा गया। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी करेंसी है सब फैट मनी है। फैट मनी वह पैसा होता है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन सरकार द्वारा कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। USA के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने जब गोल्ड और डॉलर के कनेक्शन को जब खत्म किया, तब उन्होंने इसका कनेक्शन देश में हो रहे पैदावार से जोड़ा। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी देश उतना ही करेंसी छाप सकता है जितनी मात्रा में उस देश में प्रोडक्ट अवेलेबल हो। अगर कोई देश बहुत अधिक मात्रा में करेंसी प्रिंट भी कर देता है तो इससे केवल इन्फ्लेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं। जिस देश के करेंसी का वैल्यू जितना ज्यादा होता है, उस देश में उतने वैल्यू के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। कोई भी देश कितना पैसा छापेगा यह सप्लाई और डिमांड पे निर्भर करता है। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पे, कोई भी देश कितना पैसा छापेगा यह तय कैसे किया जाता है।